हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है योगा एवं योगिक क्रियाएं, जिसमें अष्टांग योग, प्राणायाम, योग के प्रकार, शुद्धि क्रियाएं आदि सभी टॉपिक पर वीडियो है। यह पार्ट टू है योगा का। वन लाइनर के माध्यम से मैं आपके सभी डाउट सभी टॉपिक पर क्लियर कर रही हूँ, जिसमें से ये लास्ट टॉपिक अब बचा है, दो तीन टॉपिक और बचा है जिसे मैं पूरा करके मैं MCQs का प्रैक्टिस कराऊंगी। जैसा कि आपके पास टाइम बहुत कम है BPSC TI 3 के लिए, एंड जिसने यह स्टेट भरा है वो भी सभी इन सभी वीडियोज को प्रैक्टिस करके अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों टाइम आपके लिए कम है, आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे चैनल पे सिलेबस अकॉर्डिंग सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। और जैसा कि दोस्तों मैं TRE 2 में जो प्रैक्टिस कराई हूँ क्वेश्चन आंसर का, वो सभी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, एंड जो भी डाउट है जिस टॉपिक में उसे आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, सितकारी क्या है? तो दोस्तों सितकारी एक है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? सांसों पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के तीन घटक होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना, कुंभक का मतलब होता है श्वास को अंदर या बाहर छोड़ना, रोकना, एंड रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर छोड़ना। नेक्स्ट है, स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? दोस्तों तो पद्मासन, जिसे कमलासन भी कहा जाता है। जैसे प्राणायाम के अंतर्गत दोस्तों सितकारी, अनुलोम विलोम, भ्रस्तिका, कपालभाति, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली आदि प्राणायाम होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, किस उपनिषद में ओंकार के चार चरणों का उल्लेख किया गया है? तो मांडुक्य उपनिषद में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में कि किस उपनिषद में ओंकार के चार चरणों का उल्लेख किया गया है? तो मांडुक्य उपनिषद में। नेक्स्ट है, योग वशिष्ठ में किस योग पर बल दिया गया है? तो योग वशिष्ठ में ज्ञान योग पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है, पुरुष और प्रकृति दर्शन की दो मुख्य अवधारणाएं हैं। तो ये सांख्य दर्शन की अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट है, योग वशिष्ठ के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन सा गुण करता है? तो सद्भावना करता है। नेक्स्ट है, प्रश्न उपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन सी वायु करती है? तो उदान वायु करती है। तो अपान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, तीन वायु होता है। नेक्स्ट है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अमरता की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो दोस्तों ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अमरता की प्राप्ति का उपाय विद्या है, और दुख का कारण अविद्या है। नेक्स्ट है, धारणा सुच योग्यता मनसः किसका परिणाम है? तो यह प्राणायाम का परिणाम है। नेक्स्ट है, हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है? तो इसमें मेघ की ध्वनि सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट है, स्वात्मा राम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ यम कौन सा है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ यम है मिताहार, यानी कि कम भोजन ग्रहण करना। यानी कि कल मैंने आपको बताया था कि जो योगी होते हैं वो मिताहार करते हैं, यानी कि अल्पाहार, यानी कि अपने पेट का तीन भाग ही भरते हैं, एक भाग खाली रखते हैं, चार भाग में एक चौथाई भाग खाली रखते हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी के रूप में व्यक्तियों के चार प्रकारों का उल्लेख किया गया है? तो भगवद गीता में।
नेक्स्ट है किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योगा अभ्यास को सीखना किस पर निर्भर करता है? तो यह स्पष्ट प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? तो महर्षि महेश योगी ने किया था। नेक्स्ट है शिक्षक का उद्देश्य मुख्यतः क्या होता है दोस्तों? तो विद्यार्थी में बदलाव लाना ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि क्या हो सकती है? तो यह पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण होती है। मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि क्या है? पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण जो पहले होता था। नेक्स्ट है महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का छठा अंग कौन सा है? तो धारणा है। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र ग्रंथ में अष्टांग योग की बात कही है, जिसमें 8 अंग हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें से छठा अंग है धारणा। छठा अंग क्या है? धारणा। जैसे कि दोस्तों जो अष्टांग योग है उसमें जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 है, ये बहिरंग यानी स्थूल साधन कहे जाते हैं। और जो लास्ट के 3 है, छठा, सातवां, आठवां, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अतरंग अंतरंग यानी कि सूक्ष्म साधन कहे जाते हैं। अष्टांग योग जो है वो शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 चरण महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताया है, जिसमें से यम सामाजिक अनुशासन के लिए होता है, जिसमें परहेज या बचाव किया जाता है, जिसमें अहिंसा, सत्य, कुछ न अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आता है। और दूसरा होता है नियम, जिसमें व्यक्तिगत अनुशासन पर ध्यान दिया जाता है, अपने प्रति किया गया शारीरिक को मानसिक नियम होता है, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान आता है। और तीसरा होता है आसन। आसन जो है शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को आसन कहते हैं। आसनों का अभ्यास शरीर को मजबूती तथा शरीर और मन को शक्ति देता है। चौथा होता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है श्वास पर नियंत्रण करना। इसके 3 घटक होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब होता है सांस अंदर लेना, कुंभक का मतलब होता है सांस रोकना। कुंभक भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतः कुंभक और वाह कुंभक। याद रखिएगा, अंतः कुंभक में पूरा श्वास लेकर उसे अंदर रोकना होता है और वाह कुंभक में श्वास बाहर निकालकर रोकना होता है। और तीसरा होता है रेचक। रेचक मतलब श्वास को बाहर निकालना, ठीक है। एंड 5वां होता है अष्टांग योग में, 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों को बस में करना, दुनिया की वस्तुओं के पीछे भागने वाली इंद्रियों को बाधित कर उन्हें अंतर यात्रा की तरफ मोड़ना। 6ठा अंग होता है धारा। धारा मतलब एकाग्रता, अपने इष्ट देव या स्वयं पर पवित्र मन से ध्यान लगाना। धारा की पद्धति से मन वस्तु विशेष पर एकाग्र हो जाता है। मन में निश्चल भाव से किसी बात को धारण करना या दृढ़ निश्चय करना, एकाग्रता ही धारणा है। 7वां अंग होता है ध्यान यानी साधना। जब व्यक्ति समय और सीमा के बंधन से मुक्त होकर अपना ध्यान केंद्रित करता है तब वह ध्यान यानी साधना कहलाता है। 8वां अंग होता है समाधि, जिसे आत्म अनुभूति कहते हैं। इसमें व्यक्ति की पहचान आंतरिक और बाह्य रूप से ध्यान में खो जाती है। सुख, दुख या दरिद्रता से मुक्त होकर सर्वोच्च आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है। तो दोस्तों ये थी आपकी अष्टांग योग के 8 अंग। नेक्स्ट दोस्तों कि बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों का निग्रह करने का अभ्यास क्या कहलाता है? तो दोस्तों इंद्रियों के बारे में बात आएगा तो वहां पर प्रत्याहार होगा। नेक्स्ट दोस्तों और यम किसके अंतर्गत सम्मिलित है? यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि आते हैं, तो इसमें अपरिग्रह आपका होगा। नेक्स्ट है ज्ञान के प्रकाश पर पड़ा आवरण किसके द्वारा हटता है? तो ज्ञान के प्रकाश पर जो आवरण पड़ जाता है उसे प्राणायाम के द्वारा हटता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के समय कितने देशों के नागरिकों की प्रतिभागियों एक ही योग सत्र में प्रतिभागिता रही? तो कुल 84 देश के 35,985 प्रतिभागी शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने किस तिथि को सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के संकल्प अनुमोदित किया? तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प किया और नेक्स्ट ईयर 21 जून 2015 से प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, योगः कर्मसु कौशलम् का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है निष्काम कर्म। क्या है? निष्काम कर्म। योग की परिभाषाओं में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें से भगवद गीता में कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम् यानी कि कर्म करने की निपुणता ही योग है। और इनके योगः कर्मसु कौशलम् का सही अर्थ है निष्काम कर्म करना। एंड वहीं पे महर्षि पतंजलि का कहना है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः यानी चित्त की वृत्तियों को पूर्णता रोक देना ही योग कहलाता है। वेदव्यास का कहना है कि योग समाधि है। डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है कि योग आध्यात्मिक कामधेनु है। आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय योग है। एंड योग शास्त्र का कहना है कि सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चिंत हो जाना ही योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त का स्वरूप है? तो चित्त का स्वरूप है जड़। नेक्स्ट है, योग वशिष्ठ का सिद्धांत है? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, कौन सा चतुर्व्यूह के अंतर्गत आता है? तो हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय, ये चतुर्व्यूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, महर्षि पतंजलि के अनुसार किनका संयोग दुख का कारण है? तो दोस्तों, दृष्टा और दृश्य ये दोनों का संयोग ही दुख का कारण है महर्षि पतंजलि के अनुसार। नेक्स्ट है, धारणा, ध्यान और समाधि किसके बहिरंग है? तो दोस्तों, यह निर्बीज समाधि के बहिरंग है। नेक्स्ट है, घेरंड संहिता के अनुसार ध्यान की उत्तम विधि क्या है? तो उनके अनुसार स्थूल ध्यान ध्यान की उत्तम विधि है। नेक्स्ट है, शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास किया जाना चाहिए? तो कुंभक का मतलब होता है श्वास रोकना। तो शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास किया जाना चाहिए? तो 20 चक्रों का। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा में स्वास्थ्य के किस आयाम का उल्लेख नहीं किया है? तो उन्होंने आध्यात्मिक आयाम का वर्णन नहीं किया है, उन्होंने 3 आयाम को ही बताया है, जिसमें से सामाजिक, मानसिक और एक और बताया है और आध्यात्मिक बाद में जुड़ गया है। नेक्स्ट है, सत्य, रजस, तमस के आधार पर मानस प्रकृति की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 16 है। नेक्स्ट है, व्योम चक्र किसका समानार्थी है? तो यह खेचरी मुद्रा का समानार्थी है। नेक्स्ट है, जीवन के सभी 4 ध्येयों की प्राप्ति का सर्वोत्तम तरीका किस तरह की योग साधना है? तो यह अष्टांग योग की साधना है। जीवन के 4 ध्येय हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन तीनों
इन चारों की प्राप्ति का सर्वोत्तम तरीका है अष्टांग योग। नेक्स्ट है, भगवत गीता के किस अध्याय श्लोक में समत्व योग उच्चते का वर्णन है? तो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्व योग उच्चते का वर्णन है। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं तो कपिल हैं, जो पुरुष और प्रकृति कुमेन मानता है। नेक्स्ट है, पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का है? तो अशुक्ला कृष्ण प्रकार का है। नेक्स्ट है, हर्ष रत्नावली के अनुसार चित्त वृत्ति निरोधम क्या कहलाता है? तो यह महायोग कहलाता है जिसको। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के अनुसार जीवन के तीन स्तंभ कौन है? तो वात, पित्त और कप, तीन विकार होते हैं हमारे शरीर में और सभी प्राणियों में, सभी मनुष्यों में वात, पित्त और कप, इन तीनों में से कोई ना कोई विकार जरूर होता है। नेक्स्ट है, योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र क्या है? तो योग शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सभी प्रकार के विकास करना। नेक्स्ट है दोस्तों, आयाम शब्द का अर्थ है नियमन। नेक्स्ट है, प्राणायाम के अभ्यास की सलाह दी जाती है आसन सिद्धि के पश्चात। ठीक है, सभी योगासन करने के पश्चात प्राणायाम के अभ्यास की सलाह दी जाती है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्राणायाम का प्रवेश द्वार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राणायाम का प्रवेश द्वार है धारणा। ये अष्टांग योग का छठा अंग है, धारणा ही प्राणायाम का प्रवेश द्वार कहलाता है। नेक्स्ट है, प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, योग में यम का प्रथम अंग क्या है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग है योग के, जिसमें से जो यम होता है यह सामाजिक अनुशासन होता है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आता है, जिसमें से अहिंसा यम का प्रथम अंग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग राजा के शासनकाल में थे। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के आसन करने के पश्चात कौन सा आसन करना आवश्यक होता है? तो शवासन होता है, यह डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर आदि में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है, प्राणायाम में रेचक का क्या अर्थ है? तो पूरक मतलब श्वास अंदर लेना, कुंभक मतलब श्वास रोकना, और रेचक मतलब होता है श्वास को छोड़ना। नेक्स्ट है, संहत जानु यानी नॉक नी, जिसमें घुटना टकराता है, एक किस्म की आम मुद्रा विकृति है, जिसे योगदान किस योगासन से ठीक किया जा सकता है? दोस्तों, तो गोमुखासन से। नेक्स्ट है, योग के एक तत्व के रूप में आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है प्रत्याहार। ठीक है दोस्तों, प्रत्याहार जो अष्टांग योग का 5वां अंग है, जिसमें इंद्रियों से संबंधित कोई भी बात आए तो प्रत्याहार ही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, योग की यह परिभाषा किसने दी है कि मन के आवेगों को नियंत्रण करना ही योग है? तो योग चित्त वृत्ति निरोध, इस परिभाषा को दिया है महर्षि पतंजलि ने। नेक्स्ट है, कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? वह होता है चक्रासन। नेक्स्ट है, अष्टांग योग के प्रथम 4 रूपों का सही क्रम बताइए। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद होता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट है, किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा योगा करने वालों के लिए होता है? दोस्तों, तो सात्विक भोजन होता है। नेक्स्ट है, कुंभक का संबंध है,
तो कुंभक का संबंध है प्राणायाम से। प्राणायाम के तीन घटक होते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मतलब श्वास को अंदर लेना, कुंभक मतलब श्वास को रोकना, और रेचक मतलब श्वास को बाहर निकालना। नेक्स्ट है स्थिरम सुखम आसनम, यह परिभाषा किसका है दोस्तों, आसन का। नेक्स्ट है ध्यानात्मक आसन क्या है, तो ध्यान अक्सर किया जाता है पद्मासन और वज्रासन में। ध्यानात्मक आसन में पद्मासन, वज्रासन, स्वास्तिक आसन एंड सुखासन आदि आता है। नेक्स्ट है अहिंसा एक भाग है तो यम का, ठीक है। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आता है, जबकि नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान आता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन लेना क्या है, तो श्वास लेना पूरक है, रोकना रेचक कुंभक है, एंड श्वास को बाहर निकालना रेचक है। नेक्स्ट है योग चित्त वृत्ति निरोध, किसकी परिभाषा है दोस्तों, तो महर्षि पतंजलि की, महर्षि पतंजलि की। नेक्स्ट दोस्तों नौली का संबंध किससे है, तो सटकर्म से है। नौली का संबंध किससे है दोस्तों, तो सटकर्म से है। दोस्तों सटकर्म यानी कि शुद्धि क्रिया जो है वह छह होती है, नेति, दोति, नौली, बस्ति, कपाल भाती एंड त्राटक, जिसमें से नेति का मतलब होता है नासिका द्वार को साफ व स्वच्छ बनाने की क्रिया, जिसमें जल नेति तथा सूत्र नेति शामिल है। और दोति जो होता है यह स्वच्छ क्रिया की कर्मवार है, यह मुंह से गुहा तक की अमाशय नली को साफ करती है। तीसरा सत्कर्म होता है नौली, जो उदर के अंगों यानी पेट की अंगों की मालिश करके मजबूत बनाता है। और जो दायां नौली, बायां नौली होता है, पेट को दाएं बाएं घुमाया जाता है। चौथा होता है बस्ति, जो जिसमें बड़ी आंत को धोने व मजबूत बनाने का काम किया जाता है। पांचवा होता है कपालभाति, जो मस्तिष्क के अग्रभाग को पवित्र करने की, सांस लेने की क्रिया है। और छठा होता है त्राटक, जो एक बिंदु या वस्तु पर लगातार देखने का व्यायाम होता है, जिससे केंद्रित करने यानी एकाग्रता करने की, एकाग्र होने की शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट है दोस्तों त्राटक होता है, तो त्राटक होता है एकाग्रता के लिए, किसके लिए, एकाग्रता के लिए। एक बिंदु या वस्तु पर लगातार देखने का व्यायाम किया जाता है, जिसमें ध्यान केंद्रित करने या एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट है दोस्तों योग सूत्र का लेखक कौन है, तो महर्षि पतंजलि है। नेक्स्ट आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है वो बुद्ध की देन है। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने दिया है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग जीने के आठ मार्ग को दिया है महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट है उद्गित ओम का पर्याय है प्रणय। नेक्स्ट है अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है, तो यह निर्विचार समापत्ति का परिणाम है। नेक्स्ट है सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं, तो उन्होंने पुरुष प्रकृति को मेन माना है। कपिल जो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं, उन्होंने प्रकृति के तत्व के रूप में सत्व, रजस और तमस को मेन माना है। नेक्स्ट दोस्तों सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं, तो आठ अंग बताए गए हैं। नेक्स्ट है कुंडलिनी के कितने प्रकार सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वर्णित हैं, तो दो प्रकार। नेक्स्ट है पिंड विचार के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आधारों का वर्णन किया गया है, तो 16 आधारों का। नेक्स्ट है हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं वर्णित की गई हैं, तो 8 शोधन क्रियाएं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन शरीर में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वह होता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन के जीवन रक्षक हार्मोन या फाइट फ्ले हार्मोन और कठिन परिस्थितियों में बचाने का काम करता है, जैसे गुस्सा आना, क्रोध आना एंड एकाएक विपत्ति आ जाना। उस कंडीशन में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है यहाँ पे हावी होता है, एड्रिनल ग्रंथि में एड्रिनलिन के स्त्राव को बढ़ाता है। नेक्स्ट दोस्तों सर्केडियन रिदम के अध्ययन को कहा जाता है, तो सर्केडियन रिदम के अध्ययन को क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है, क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है संकारात्मक अभिवृत्ति प्रसन्नता
यहाँ पे सकारात्मक है दोस्तों, सकारात्मक अभिवृत्ति, प्रसन्नता, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना, इनमें से किसकी विशेषताएं हैं? तो ये सभी सत्व गुण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है आधी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो आधी शब्द का मतलब है मनोमय कोष में उत्पन्न हुए मानसिक या भावनात्मक विकार। नेक्स्ट है हठ प्रदीपिका तथा घृण्ड संहिता के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई कितनी होती है? तो जल नेति सूत्र नेति होता है, जिसमें से सूत्र नेति की जो लंबाई होती है एक बलिष्ठ यानी कि कम से कम 9 इंच की होती है। नेक्स्ट है हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई कितनी होती है? धोती दोस्तों में अमाशय मुख से लेकर अमाशय नली को भी, अमाशय को पूरा साफ किया जाता है पेट को, तो इसमें वस्त्र धोती में कम से कम 22.5 फीट लंबा वस्त्र यानी कपड़ा होता है। नेक्स्ट है प्रभाव उत्पादक शिक्षण के लिए योग पाठ योजना का कब तैयार किया जाना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए योग पाठ योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए? तो कक्षा से ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। कक्षा आपका लगने वाला है बच्चों का, पढ़ाई का कक्षा, उससे ठीक पहले योग पाठ योजना तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है योग के व्यवहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को कक्षा में कब आयोजित किया जाना चाहिए? तो यह समूह अभ्यास के बाद करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये पार्ट 2 था, और पार्ट 3 फिर से एक योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा दोस्तों। उसके बाद एक वीडियो आपका आएगा प्रतियोगिता यानी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से, जिसमें 4 प्रकार के टूर्नामेंट का वर्णन होगा वर्णनर के माध्यम से। उसके बाद कुछ विशेष खेलों की सामान्य जानकारी आपको दिया जाएगा, और फिर मैं MCQs के माध्यम से आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।